इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अपनी कार में थे जब हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले में पूर्व विधायक और एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। तो आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो अपनी कार में थे जब हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूर्व विधायक नफे सिंह फॉर्चुनर कार में सवार थे। कहा जा रहा है कि कम से कम 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई। इंडियन नेशनल लोकदल के एक प्रवक्ता ने बताया कि नफे सिंह राठी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। पार्टी के प्रवक्ता अमनदीप ने कहा कि सरकार से उनके लिए सुरक्षा मांगी जा रही थी, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक नफे सिंह राठी पर हमले भी छिटपुट हमले हुए हैं। झज्जर के SP अर्पित जैन ने बताया कि पुलिस को गोलियां चलने की जानकारी मिली थी। उन्होंने कहा कि CIA और STF की टीमें काम कर रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस वक्त की आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, हमले में नफे सिंह राठी और सुरक्षाकर्मी की मौत, यानी ताबड़तोड़ हमला किया गया, गोलियां बरसाई गई। और इस दौरान नफे सिंह राठी, जो इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व में विधायक रहे, एक सुरक्षाकर्मी भी थे, और दोनों की मौके पर मौत हो गई। हमले के बाद दो बार के पूर्व विधायक नफे सिंह राठी और अन्य घायलों को ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि चार घायलों को अस्पताल में लाया गया था। घायलों में दो लोगों को काफ़ी ज़्यादा खून बह गया और उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। दो घायलों का ICU में इलाज चल रहा है। उनके कंधे और जांघों पर गोलियां लगी है। मरने वालों में पूर्व विधायक नफे सिंह और उनके सुरक्षाकर्मी जय किशन भी शामिल थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नमस्ते, मैं हूँ मोनिका रावन और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुँचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।